Hello dear students, I am Professor Sapan Parikh here. I am a chartered accountant and cost accountant and I am the founder of Sapan Parikh Commerce Classes. Our classes has three branches, two in Kandivali East and one in Kandivali West. And over the years I have the privilege of teaching more than 8000 students in commerce. This is the video which we have prepared, which is a past paper solution for first year Bachelor of Accounting and Finance students for Bombay University. It's a November 2016 paper solution of cost accounting. So the first question is an objective question, jiske answers humne bold mein likhe hue hain. To isme kuch explain karne jaisa nahi hai. So I'm skipping this part. You can have a look at the answers. Main is सोल्यूशन का पीडीएफ फाइल कमेंट सेक्शन में भी डालूंगा, सो यू कैन डाउनलोड द वीडियो एज वेल एज यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फाइल फॉर योर सोल्यूशन. ये क्वेश्चन वन बी है जो ट्रू और फॉल्स है. अगेन आंसर्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखे हैं, ट्रू या फॉल्स. इसमें रीजन नहीं देना है. एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा बच्चों कि इसमें जो आंसर्स हैं आपको सारे आंसर्स अटैम्प्ट करने चाहिए whether you know the answer or not. Second is you have to write all the questions, don't jump the questions and don't miss any question. Bina question likhe sirf true and false likhenge to marks aapko nahi milenge bachcho, so be careful. You have to write the full sentence and then write the answers. Let us go to question number 2. Question number 2 ye classification ka question hai. ऑन द बेस ऑफ ट्रेसिबिलिटी, मतलब कोई कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये हमें उनको बताना है. डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर ट्रेसिबल टू द फाइनल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करता हूँ तो कैलकुलेटर में जो प्लास्टिक यूज होता है, जो बटन्स यूज होते हैं, जो स्क्रीन यूज होता है, जो सेल यूज होता है, वो सबके सब डायरेक्ट कॉस्ट है. पर कैलकुलेटर बनाने के लिए और भी बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ होगा जो फाइनल प्रोडक्ट में हमें दिखेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जिस मशीन से हम कैलकुलेटर बनाते हैं उसके आजू बाजू कुछ कचरा पड़ा होगा, तो उसको साफ करने के लिए हमने ब्रूम यूज किया, ऑयल यूज किया, कुछ कॉटन यूज किया. सो ऑल दोज आर मटीरियल बट दीज आर नॉट डायरेक्ट मटीरियल, सो दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो जो पहले तीनों हैं, द कॉस्ट ऑफ कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, कैरेज एक्सपेंस फॉर रॉ मटेरियल इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गनी बैग्स इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री सिक्योरिटी स्टाफ दिस इज अ कॉस्ट विच इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट. सिक्योरिटी स्टाफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट सेपरेटली, सो ही इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी. ये सिक्योरिटी स्टाफ कॉमन है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते होंगे पर स्टाफ एक ही होगा, सो इस कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है. और सिमिलरली लाइटिंग इन द फैक्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, मतलब ये जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट, बच्चों स्टूडेंट्स थोड़ा सा गलत डेफिनेशन समझ के बैठते हैं कभी कभी, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट. नॉर्मली स्टूडेंट्स थिंक दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड, तो ये गलत डेफिनेशन है, या मैं तो कहूँगा ये अधूरा डेफिनेशन है. फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी. ये सही है, मतलब अमाउंट फिक्स्ड हो ये जरूरी नहीं है, बट एक्टिविटी लेवल चेंज होने के बावजूद कॉस्ट उतना ही है. इसका एक सिंपल एग्जाम्पल जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है रेंट. तो से मेरे कोचिंग क्लासेस हैं और कोचिंग क्लासेस में जो प्रिमाइसेस है वो मैंने रेंट पे लिए हैं जिसका रेंट है 20,000 रुपया. अभी एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या एक क्लास में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, इमटीरियल है, क्योंकि मुझे लैंडलॉर्ड को जो रेंट फिक्स किया है वही देना पड़ेगा. सो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी. ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर लैंडलॉर्ड रेंट चेंज कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया. रेंट चेंज होने का वजह लैंडलॉर्ड का खुद का वजह है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, सो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए, डी और ई, ये तीनों के तीनों फिक्स्ड कॉस्ट हैं और बाकी दोनों वेरिएबल कॉस्ट हैं.
variable cost are those costs which change in direct proportion to change in production. So B or C, ye dono variable cost hai. On the basis of function hume classify karna hai, that is hume decide karna hai ki ye factory cost hai ya office cost hai ya selling and distribution. So salesman salary, exhibition and trade fair, all the three are selling and distribution cost, and B and D, printing as well as depreciation, ये है office and administration cost. ये काफी simple सम था. Bonus है बच्चों 15 marks. Let us go to question number 2 का और. ये question है reorder level, minimum level का. बच्चों इसमें formula learn करना बहुत ही जरूरी है. Normal usage हमें दिया गया है 300 units per week, maximum है 450 और minimum है 150. Reorder quantity का मतलब होता है EOQ. Reorder period का मतलब होता है by the time we place an order till the time we get the delivery. So say example, आज अगर हम order place किए तो X जो raw material है वो हो सकता है कि हमें 4 महीने 4 हफ्तों में मिल जाए, और it might take 6 weeks, which means we can say on an average it will take 5 weeks to get the delivery. For product Y it is 2 to 4 weeks, मतलब on an average it will take 3 weeks. Students, यहाँ पे formulas हमने लिखे हुए हैं. You are advised first to learn the formulas. ये question 100% आने वाला है इसके जैसे. तो ये 4 formulas हैं जो आपको learn करने ही पड़ेंगे. Reorder level is maximum usage into maximum delivery period. So 450 into 6, 450 और 6 ये दोनों information दिया गया है. 450 is the maximum usage of X, and 6 is the maximum delivery time. So minimum ka formula hai reorder level minus normal into normal. So reorder level is 2700 jo humne upar calculate kiya, minus normal, normal usage hai 300 aur normal delivery time hai 5. So aise hum calculate karenge, 2700 minus 1500 will give us 1200. But चलो reorder level और reorder quantity में फर्क आप जान लीजिएगा. Reorder quantity का मतलब होता है whenever I will place an order, how much order I will place, मतलब कितने quantity का मैं order करूँगा, और reorder level का मतलब किस वक्त मैं order करूँगा. तो ये दोनों का difference है, reorder level और reorder quantity. Maximum level का formula reorder level plus reorder quantity माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम. तो ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. एवरेज लेवल का फार्मूला है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2. तो मिनिमम और मैक्सिमम हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो दोनों ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा. सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट फॉर कंपोनेंट वाई ऑल द 4. स्टूडेंट्स आई विल रिपीट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न ऑल द फार्मूलास. And this is a 100% sure question which will be asked in the question. So if you know the formula, this question is a bonus for us. Next question hai FIFO and weighted average. So yahan pe same quantity ko do bar hume solve karna hai, ek bar FIFO se aur ek bar weighted average se. FIFO ka matlab hota hai first in first out. So opening stock 300 units hai. फिर तीन बार हमने क्वांटिटी परचेज किया है 250, 300 एंड 150, एंड थ्री टाइम्स हमने इशू किया. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डेट्स. सो द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज 1 मार्च. यहाँ पे सॉल्यूशन हमने नीचे बनाया है. सो दिस इज द सॉल्यूशन रिसीव्ड. द फर्स्ट थ्री कॉलम्स आर रिसीव्ड इन दैट यूनिट्स प्राइस एंड अमाउंट, देन इश्यूज यूनिट्स रेट एंड अमाउंट, and then the balance column. So the opening stock is 300 at 9.7, 2910. Then 3rd March we have bought 250 units. So on 3rd March we have two different quantities in the balance. First 300 which was from opening, and then 250 which is bought on 3rd March. So ye dono ka stock hai 300 into 9.7, 250 into 9.8. On 11th March we have issued 400 units. As per FIFO method we will first issue 300 and then we will issue 100 out of 250.
सो नाउ 250 में से 100 चले गए, सो हाउ मच रिमेन्स इज 150, और उसका ये रेट है 9.8, ये उसका अमाउंट आ गया। फिर 15 मार्च को परचेज, ये दोनों बैलेंस बचेंगे, 150 इज द फर्स्ट एंड देन 300, 210 इज द इश्यू ऑन 20th मार्च, सो 150 इज द फर्स्ट इश्यू एंड देन द सेकेंड इशू इज 60 यूनिट्स, सो द बैलेंस इज 240। देन 25th मार्च को 150 हमने और परचेज किए, सो द बैलेंस इज 240 एज वेल एज 150। 29 मार्च को 100 इशू हुआ है विच विल बी आउट ऑफ 240, सो नाउ द बैलेंस इज 140 प्लस 150। दिस इज द टोटल दैट वी हैव डन ऑफ रिसीप्ट्स एंड द अमाउंट टोटल, ये क्वांटिटी ऑफ इश्यूज और ये अमाउंट ऑफ इश्यूज। एक छोटा सा समरी हमने बनाया है विच इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज द बैलेंस विच इज गिवन, देन 700 इज द परचेज, दिस द अमाउंट ऑफ परचेज एंड देन द इश्यू एंड देन द अमाउंट ऑफ द इश्यू। सो एट द एंड इफ यू सी, ये अगर आपका पूरा सोल्यूशन राइट है तो ये टैली भी होगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया गया है 290, दिस इज, और ये इफ यू एड दीज टू देन यू विल बी एबल टू टैली विद दिस 2952। वेटेड एवरेज इज कंपेरेटिवली सिंपल देन फीफो, हियर 300 यूनिट्स इज द ओपनिंग स्टॉक, देन वी हैव बॉट 250 यूनिट्स। सो यहाँ पे हमें अलग अलग स्टॉक नहीं रखना है, आपको 300 में 250 ऐड करना है, सो 550 एंड देन 2910 में 2450 ऐड करना है, सो दैट गिव्स यू दिस फिगर एंड दिस डिवाइड बाय 550 विल गिव यू द प्राइस। यहाँ पे कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, तो बच्चों आई विल करेक्ट दैट इन द सोल्यूशन, बट इट इज 2910 प्लस 2450, दैट फिगर शुड कम हियर एंड दिस अमाउंट डिवाइड बाय 550 शुड बी द प्राइस। प्लीज रिफर टू द सोल्यूशन इन द PDF फॉर्मैट टू चेक वेयर देर इज अ वॉट इज द करेक्ट आंसर। फिर 550 में से 400 माइनस हो जाएंगे, सो 150 इज द बैलेंस एंड देन द रेट इज द दिस रेट, वेटेड एवरेज रेट विच वी विल बी राइटिंग हियर। देन 300 इज द न्यू परचेज, 10.05 इज द प्राइस। स्टूडेंट्स ऑल्सो मेक अ मिस्टेक इन 10.05 और 10.50, सो प्लीज बी केयरफुल। इन दिस 150 वी विल बी एडिंग 300 यूनिट्स एंड इन दिस अमाउंट वी विल बी एडिंग 3015, सो द टोटल इज 4478, डिवाइड बाई 450 यू विल गेट द प्राइस। 210 इज द इश्यू एट 9.95, द बैलेंस, देन द न्यू परचेज, देन द न्यू बैलेंस एंड देन द इश्यू। Again, you can prepare the summary as I had explained in the FIFO method. Let us quickly go to question number 4. This question is of worker A and worker B. Worker A is involved on job X and worker B is engaged in job Y. And there are two plans. One is Halsey plan and one is Rowan plan. Again, students, you will have to learn the formula over here of Halsey plan as well as Rowan plan. Mr. A, time rate per hour is 4 and actual time taken is 24 hours. So he was allotted 40 hours to work. Usko ek kaam diya gaya tha ki usko 40 ghante mein complete karna hai. Par X kafi efficient lag raha hai and he completed the work in 24 hours. Matlab 16 ghante usne save kiya apne organization ke liye. So according to Rowan plan, jitna time worker bachata hai, uska 50% uske saath share kiya jata hai. So let us first see calculation under Rowan plan, sorry, calculate under Halsey plan. So yahan pe formula hai, time taken that is 24 hours into rate per hour that is 4 plus, as I said, how much time he has saved, 16 hours, 16 into 4, 64 rupees organization ke save kiye. So uska 50% that is 32 rupees will be bonus given to him. So the total earnings that Mr. A will get is 128. यहाँ पे क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पूछा गया है, सो 128 वेजेस उसे मिला है फॉर वर्किंग फॉर 24 आवर्स, सो इफेक्टिवली द रेट पर आवर कम्स टू 5.33। एक्चुअली उसका रेट पर आवर 4 है, बट बिकॉज ही गॉट दिस बोनस ऑफ 32 द रेट हैज गॉन अप टू 5.33। अंडर रोवन प्लान थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मूला में, द फर्स्ट पार्ट इज द सेम, लेट अस फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन। So in Rowan, he was allotted 200 hours, whereas he completed the work in 120 hours, which means 80 hours usne save kiye, the rate per hour 2.5 hai. So according to Rowan,
how much should be shared is in the ratio of time saved and time allowed. तो ये एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. टाइम सेव किया है 80, टाइम अलाउड था 200. सो यहाँ पे 50% नहीं है जैसे हेल्से में था. सो इट इज 80 अपॉन 200 इनटू द टाइम टेकन, दैट इज 120 इनटू 2.5. सो हियर ही इज गेटिंग 120 इज द बोनस प्लस 300 व्हिच वाज द टाइम रेट. 420 इज द टोटल वेजेस दैट ही गेट्स फॉर 120 आवर्स. सो इफेक्टिवली द रेट पर आवर इज 3.5 रुपीज. प्रीटी सिंपल सम है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन 4 है. क्वेश्चन 4 में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हमें कैलकुलेट करना है. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं. वो कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेशन करना है कोई, या अपॉर्शन करना है कोई एक साइंटिफिक बेसिस पे, जिसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. तो ये क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऐड किया है एज अ सॉल्यूशन टू एक्सप्लेन यू. क्वेश्चन में इतना दिया है कि ए बी सी डी ई ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ये कॉस्ट है और ये एक्स्ट्रा डिटेल दिया है. ये टोटल का कॉलम भी मैंने सॉल्यूशन में ऐड किया है स्टूडेंट्स. इट विल बी एडवाइजेबल टू यू कि आप ये टोटल कॉलम बनाइए तो रेशियोज कैलकुलेट करने में आसानी होगी. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिपेयर शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट, rent on the basis of area, depreciation again on the basis of value of plant, supervision on number of workers, insurance on value of stock, employer's liability on total wages, and lighting on the basis of area. So you'll have to remember that which expenses can be allocated on what basis. तो अभी calculation ऐसे होगा, 10,500 repairs है, तो total plant है 7 lakh, so 10,500 डिवाइड बाई 7 lakh मल्टीप्लाइड बाई 2 lakh, ये ओवरहेड्स होगा ए का. सिमिलरली बी के लिए 10,500 डिवाइड बाई 7 lakh इंटू 1,80,000 एंड सो ऑन. सो ये कैलकुलेशन आई विल शो इट टू यू. रेस्ट एवरीथिंग इज प्रीटी सिंपल. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द कैलकुलेशन हैज बीन डन. सो ये कैलकुलेशन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का. यहाँ पे आइटम लिखा है, बेसिस लिखा है, सारे डिपार्टमेंट्स लिखे हैं और ये टोटल है. टोटल का कॉलम जरूर बनाएगा, इट विल बी इजी फॉर यू टू चेक. दिस टोटल 76,400 शुड टैली विद द टोटल इन द क्वेश्चन. दिस टोटल 76,400 विच मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है. और ये टोटल ऐसे भी टैली होना चाहिए, ऐसे ए बी सी डी ई का टोटल शुड ऑल्सो बी 76,400. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है मेरे हिसाब से. यहाँ पे टाइम रेट और पीस रेट बोला गया है. व्हाट इज टाइम रेट? टाइम रेट का मतलब होता है वर्कर अगर एक्स आवर्स काम करता है तो पर आवर उसको पैसे मिलेंगे. और पीस रेट मतलब जितना प्रोडक्शन किया, एक्स यूनिट्स अगर प्रोड्यूस किया तो पर यूनिट उसको इतने पैसे मिलेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पीस रेट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है. स्टिल दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट एज पर पीस रेट. सो आई हैव नॉट डन दैट बिकॉज इट सीम्स द क्वेश्चन इज रॉन्ग. टाइम रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है. 20 आवर्स काम किया है उसने, आवरली रेट ऑफ वेज इज 1 आवर है एंड डियरनेस अलावेंस इज 50 पैसे पर आवर. तो इसका कैलकुलेशन हमने नीचे शो किया है. 20 आवर्स एट द रेट 1 पर आवर और 20 आवर्स का DA 50 पैसे मिलेगा. सो द आवरली रेट इज 30 रुपीज. ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. इफ यू अटेम्प्टेड आई थिंक यू शुड गेट फुल मार्क्स. ये क्वेश्चन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स का. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ए बी सी डी ई और फिर डिपार्टमेंट डी और ई जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है. वो डिपार्टमेंट्स कौन से डिपार्टमेंट को कितना सर्विस दे रहे हैं वो यहाँ पे दिया है. डिपार्टमेंट डी गिव सर्विस ऑफ 30, 40, 20 एंड 10 टू ए बी सी एंड ई रिस्पेक्टिवली. ई गिव सर्विस टू ए बी सी एंड डी 10, 20, 50 एंड 20. तो ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ टू डू दैट. तो यहाँ पे कॉलम्स बनेंगे ए बी सी डी ई. पहले जो ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हैं उसको हम कॉपी करेंगे. फिर पहले डिपार्टमेंट डी का जो ओवरहेड्स है 6,300 वो एलोकेट होगा ए बी सी और ई में ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज गिवन. सो इट इज 30%, 40%, 20% एंड 10%. अभी ई डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका टोटल ओवरहेड्स कितना हुआ 5,100 एंड 630. सो द टोटल इज 5,730
Now this 5730 I will write as negative here, and I will distribute that to A, B, C, D in this ratio: 10%, 20%, 50%, 20%. फिर इसको एलोकेशन हुआ है 1150 का, सो ये 1150 अभी एलोकेट करेंगे ए बी सी ई में, अगेन ये रेशियो में 3-4-1 में. फिर ई को आया है 110, 110 विल बी एलोकेटेड टू ऑल द थ्री, एंड नाउ 20 रुपीज रिमेन, सो 20 ऑन एवरेज इज गिवन टू बोथ ऑफ देम, 10 एंड 10. सो दिस टोटल ऑफ ए बी सी, दिस टोटल शुड टैली विद द टोटल इन द फर्स्ट रो, which means आपने allocation सही किया है. ये था secondary distribution as per repeated distribution method. I am Professor Sapan Parikh here. I am sure ये जो video है वो आपको helpful होगा आपकी exams में prepare करने के लिए, and आप इस video को ज़रूर like करिएगा. हमारी channel पे हम regularly videos upload करते हैं जो आपके लिए helpful होंगे. हमने एक objective test series भी plan किया हुआ है. If you are interested in having a look at it, and if you want to attempt those exams, take those exams, then you can leave your email ID in the comment section and we will send you the link for appearing in the objective exams. It is absolutely free, and I'm sure this will benefit you in preparing well for your exams. Wish you all the best, and do not forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you. Professor Sapan Parikh here. All the best.